जैसे आज इवेंट है 2015 का, तो इसके बारे में जैसे क्या बताएंगे? सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये ट्रस्ट उनकी, बाकी ये तीसरी है, बहुत अच्छा काम कर रही है ट्रस्ट और बाकी ये तीसरा साल अच्छा काम कर रहे हैं, तभी आगे बढ़ रहे हैं और मैं चाहूँगा कि हर साल इनका ये अवार्ड फंक्शन चलता रहे और लोगों का भला करें, अच्छा काम करें। आपको लगता है इस इवेंट से कुछ फ़ायदा होगा जैसे आज के लिए? जी 100% होगा, तभी तो इतना बड़ा इवेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। क्या हम जैसे सब लोग साथ में आज के जुड़ रहे हैं और जो भी लोगों की भलाई है जहाँ पे भी अच्छा ही चीज़ फैला सकते हैं। आप क्या नाम प्रोजेक्ट्स के हैं जी? मेरे आने वाली अभी एक फिल्म आने वाली है झोल कंपनी पब्लिक लिमिटेड, उसमें एज ए लीड मैं और एजाज कर रही हूँ, बाकी देखिए इंशाल्लाह, बस दुआएं आए चाहिए आप। फैंस को क्या कहना चाहिए? फैंस को कुछ नहीं यार, फैंस बस आपका आशीर्वाद चाहिए हमको, आप ये देखिए जब हमारी फिल्म आ जाएगी उसके अभी तक आपका प्यार मिलता रहा है, आगे भी हमको बस वही प्यार देते रहे। मेरा नाम आर्यन और इस शो के बारे में जैसे जी ये बिजनौर और सितारों की बिजनौर की शाम, रोशन सितारे बिजनौर के नाम क्या है? बिजनौर यूपी हैं। तो ये आज एक्चुअली जो बिजनौर से जो लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं बम्बई में, उनका सम्मान किया जा रहा है, उनको पुरस्कार वगैरह दिया जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारे दोस्त हैं कमाल, वो भी बिजनौर के ही हैं, तो उन्होंने हमें यहाँ पर संबोधित किया और हम आ गए। आपके आने वाले प्रोजेक्ट? हाँ जी, आपके आने वाले आगे प्रोजेक्ट क्या? अभी फ़िलहाल तो सर मैं टीवी पर एक शो कर रहा हूँ शपथ, और दूसरा सर मैं लाइफ ओके पर एक और शो कर रहा हूँ। आपको लगता है टैलेंट निकल के आएंगे जैसे आज? ज़रूर 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 ज़रूर। अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे? बस यही सर कि ऑल द बेस्ट एंड आई होप कि आज की शाम बहुत अच्छी हो। धन्यवाद। सबसे पहले अपना नाम बताइए सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमाल खान है और ख़ास बात यह है आज मुझे खुशी हो रही है कि सारे हमारे बिजनौरी भाइयों ने बहुत मेहनत की है, खास करके यूनुस भाई, रिजवान शाह, मैं खुद बिजनौर का हूँ और यहाँ 15 सालों से फिल्मों में काम कर रहा हूँ। आज मेरी खुशी की बात यह है कि दगड़ी चाल फिल्म रिलीज़ हुई है आप सबके लिए और मेरे बिजनौर भाइयों के लिए और लगभग सबके लिए बहुत बड़ी चीज़ है और मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है, और आज बहुत खुशी का माहौल है और क्योंकि सारे बिजनौरी भाई जितने भी हैं बिजनौर के लोग हैं यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ये बहुत सबसे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं होगी, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। इसी प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहते? ये प्रोग्राम इंशाल्लाह इस बार इस लेवल पे हुआ है, अगले साल इंशाल्लाह और बड़े लेवल पे होगा और हर साल इसकी इंशाल्लाह इस प्रोग्राम का लेवल बढ़ेगा इंशाल्लाह, अल्लाह तबारक व ताला ने चाहा तो, क्योंकि आज बिजनौर भाइयों ने इतनी बड़ी ताकत है यहाँ पर हमारे बॉम्बे में महाराष्ट्र में, आज ये बिजनौरी भाई हमारे बहुत बड़ी ताकत रखते हैं। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि हमारे बम्बई में महाराष्ट्र में जितने भी पाव आप खाते हो वो हमारे ये हमारे गांव के लोग ही सप्लाई करते हैं, और मैं भी जब बॉम्बे में पहली बार आया था तो मैं भी पाव की बेकरी में आया था, आज अल्लाह के शुक्र से मेरी 8 फिल्में आ रही हैं, फिल्म का नाम है दगड़ी चाल, फटा पोस्टर में भी था मैं, अता पता लापता में था, अभी मेरी सॉरी डैडी आ रही है 11 तारीख को इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोगों के सामने वापस से, नहीं मैं घरों में हूँगा और मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों अपनी दगड़ी चाल फिल्म से, दगड़ी चाल फिल्म को करके मैं बहुत खुश हूँ। मेरे आपको लगता है कि इससे कुछ चैलेंज निकल के आएंगे? हाँ इंशाल्लाह क्यों नहीं आएंगे, 100% आएंगे। क्या कहना चाहेंगे? काई के लिए फैंस के लिए ये मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, मैंने अच्छा काम किया, अच्छे काम को आप सराहिए और मैं जब भी अच्छा काम करूँ आप उसको सराहिए इंशाल्लाह, और मैं इसी तरह से अच्छा काम करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले नाम मेरा नाम सोना खान है, मुंबई दहल का न्यूज़पेपर की एडिटर हूँ मैं और एक्टर भी हूँ साथ में, और थर्डी जो आज ये अवार्ड प्रोग्राम हो रहा है, हाँ रोशन सितारे ये तीसरा अवार्ड हो रहा है और काफ़ी अच्छा अवार्ड रह चुका है अभी तक तो, और आगे भी अच्छे रहेगा उम्मीद यही रखते हैं, और साथ में फैशन शो भी जुड़ा है ना कुछ इसके साथ में, पूछना है
तो क्या आपको लगता है सर कि इससे कुछ फ़ायदा हुआ, टैलेंट निकल के आएंगे जैसे यूपी होगा जैसे आज आप बोलिए? हाँ क्यों नहीं, हम हमारा नाम रहमान नौशाद फिल्म मेकर है। देखिए जब तक टैलेंट न्यू टैलेंट को इंकरेजमेंट नहीं मिलेगा टैलेंट हाथ नहीं आएंगे, और ऐसे फंक्शन होंगे तो अच्छी बात है, टैलेंट ज़रूर निकलेंगे और अच्छे टैलेंट आएंगे। और हम मुबारकबाद देते हैं ये बिजनौर और यूपी के रोशन सितारों को, ये तीसरा फंक्शन है शायद अवार्ड फंक्शन। बहरहाल हमारे दिली मुबारकबाद सबको जो करता धरता है कि इनको और कामयाबी मिले और अपने मकसद में ये जो उनका इरादा है उसमें ये कामयाब हो, और ख़ास करके रियाज साहब जो हमको मधु करने, रिजवान साहब जो हमको माफ़ी चाहते हैं, रिजवान साहब जो हमको मधु करने घर पर आए थे तो उनके खातिर हम यहाँ पर आए हैं, और बस शुक्रिया। और आप किस प्रकार से सब शुक्रिया अदा करना? मैं यही बोलती हूँ जो नए टैलेंट को इन्होंने चांस दिया है इंशाल्लाह अच्छे होगा जो भी होगा, क्योंकि मैं खुद एक्टर हूँ तो मैं जान सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी, मुझे भी बहुत लोगों ने चांस दिया और मेरी एक्टिंग को बहुत लोगों ने मौका दिया है, तो आज मैं भी एक्टर ही हूँ तो मुझे भी बहुत लोगों ने चांस दिया तो मुझे भी पता ही चल गया अभी, तो इंशाल्लाह अच्छे होगा जो भी होगा। सबसे पहले मैम अपना नाम बताइए। हाय माय नेम इज श्वेतांशु सिंह एंड आई एम एन एक्ट्रेस। आज थर्ड जो अपना अवार्ड फंक्शन हो रहा है उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे एक्चुअली रिजवान शाह, मिस्टर रिजवान शाह उन्होंने इनवाइट किया है, तो आई एम जस्ट हियर, तो मैं बस एंजॉय करने वाली हूँ। वैसे आपको लगता है कुछ टैलेंट उभर के आएंगे? ऑफ़कोर्स हम यहाँ पे जितने टैलेंटेड लोग हैं वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है और ये एक अवार्ड फंक्शन है जहाँ पे सबको लाइक अवार्ड दिया जाएगा, सो दैट उनके टैलेंट और बाहर निकल के आए और लोग पहचाने बाहर। आप क्या आने वाले फिल्मों का जैसे आप बता रहे एक्टर्स हैं आगे आने वाले फिल्म जी? अभी मैं एक मूवी करने वाली हूँ, बट देन आई एम सॉरी बिकॉज ऑफ थोड़ा आई एम नॉट एबल टू डिस्क्लोज, मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती अभी डायरेक्टर ने जैसा हमें कहा है, बट देन सून आई विल बी वर्किंग ऑन अ मूवी। कैसा लग रहा है इस पॉइंट पे आगे अभी आपको? बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। बीएनबी